कार्यस्थल पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण, संयंत्र व कंज्यूमेबल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। थ्री पीस मोल्ड की स्थिति, लूटिंग सैंड की गुणवत्ता व इग्निशन का निरीक्षण कर लें। थर्मिट पोर्शन को एक सुरक्षित व गैर दहनशील इमारत में संग्रहित किया जाना चाहिए। बेहतर है कि इन्हें अलग से संग्रहित किया जाए। इन्हें अन्य गैर ज्वलनशील सामग्री जैसे कि छोटे उपकरण, मोल्ड, शील्ड बैग में लूटिंग सैंड इत्यादि के साथ संग्रहित किया जाए। इस स्थिति में इन सभी को आदर्श रूप में अलग अलग रखा जाए। पोर्शन को विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तुओं जैसे कि ईंधन, ईंधन गैसों, फुलझड़ी के साथ एक ही इमारत में संग्रहित न करें। शील्ड बक्सों को उपयोग करने के तुरंत पहले से पूर्व न खोला जाए। पोर्शन को प्रथम आगम प्रथम निर्गम के अनुसार चक्रानुक्रम में इस्तेमाल किया जाए। रेलवे बोर्ड या RDSO द्वारा प्रावधिक या नियमित रूप से स्वीकृत की गई वेल्डिंग तकनीक ही रेलों की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाए। AT वेल्डिंग के क्षेत्र में पूर्व हीटिंग तकनीक, मोल्ड के प्रकार, क्रूसिबल के प्रकार और स्वचालित प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण उन्नति हो चुकी है। यह प्रगति AT वेल्डिंग की सर्विस लाइफ के संदर्भ में सार्थक लाभकारी है। इन तकनीकी उन्नति को आत्मसात करने के क्रम में कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल या बेहतर प्री हीटिंग, सिंगल शॉट क्रूसिबल ऑटोमेटिक टेपिंग का उपयोग 52 kg और 90 UTS से हायर सेक्शन की रेल के लिए विस्तार से किया जाए। RDSO से अनुमोदित फर्मों से ही वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त थर्मिक वेल्डिंग पोर्शन एवं उपयोग वस्तुएं ली जाएं। वेल्ड किए जाने वाले रेल सिरों की तैयारी की जाएगी। इसके लिए रेल सिरों के फेस व आसन्न पक्षों ऊपर और नीचे वेव और 50 मिलीमीटर तक सिरों को मिट्टी के तेल व ब्रश से सभी गंदगी, ग्रीस व जंग को अच्छी तरह साफ किया जाए। रेल फ्लेंज के नीचे की तरफ दृश्य निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाए कि वह गड्ढे, खांचा, जंग इत्यादि से दोष मुक्त हो। रेल सिरों पर किसी भी बर को छेनी या ग्राइंडिंग द्वारा हटाया जाए। वेल्डिंग से पूर्व रेल वेब पर अंकित रोलिंग मार्ग जांचा जाए। सामान्यतः विभिन्न गुणों की रेलों को एक साथ वेल्ड नहीं करते हैं, तदापि अपरिहार्य परिस्थितियों में 72 UTS व 90 UTS रेल वेल्डिंग की जाती है। इस स्थिति में 90 UTS रेल का पोर्शन इस्तेमाल किया जाए। रेल सिरों को निर्दिष्ट अंतराल के रूप में प्रति एक समान और ऊर्ध्वाधर अंतराल के साथ स्थित किया जाएगा। गैप की एकरूपता व शीर्षता एक गेज द्वारा मापी जाए। LWR इलाके में उपयुक्त और अनुमोदित डिजाइन के हाइड्रोलिक यांत्रिक रेल टेंसर वेल्डिंग के दौरान सही रेल गैप को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाए। चालू रेलपथ में वेल्डिंग करने के लिए फिश प्लेट खोलने के बाद प्रस्तावित रेल जोड़ के दोनों तरफ कम से कम 5 स्लीपरों के रेल बंधक ढीले कर दिए जाएं। वेल्ड किए जाने वाले रेल जोड़ के
दोनों तरफ नज़दीकी स्लिपरों से 250 मिलीमीटर का स्पष्ट गैप रखें, जिससे मोल्ड, क्लैंप व प्रीहीटिंग उपकरण समायोजित हो सकें। वेल्डिंग कार्य से पहले रेल सिरों का अलाइनमेंट किया जाना है। रेल के सिरों का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सतह में अलाइनमेंट करें। लेटरल अलाइनमेंट के बाद 1 मीटर की स्ट्रेट एज के साथ चेक करने पर दोनों रेलों के सिरे प्लस माइनस 0.5 mm के भीतर रखें। रेलों की चौड़ाई में कोई अंतर है तो उसे हमेशा पूरी तरह से नॉन गेज फेस की तरफ रखा जाएगा। गेज फेस साइड रेल सिरे सही ढंग से अलाइनमेंट में रखे जाएं। वर्टिकल अलाइनमेंट 1 मीटर स्ट्रेट एज के अंत में मापा जाता है, जो 72 UTS रेल के लिए 3 से 4 मिलीमीटर ऊंचा व 72 UTS से ऊपर की रेलों के लिए 2 से 2.4 मिलीमीटर ऊंचा रखा जाएगा। यह ऊंचाई वेल्ड जोड़ ठंडा होने पर अंतर सुकड़न की वजह से जोड़ की ऊंचाई में गिरावट की क्षतिपूर्ति के लिए दी जाती है। यह रेल जोड़ के दोनों तरफ स्लीपरों अथवा सपोर्टिंग ब्लॉकों पर पच्चर लगाकर हासिल किया जाएगा। अलाइनमेंट कार्य पूरा होने के बाद रेल सिरों के बीच गैप उन्हें जांचा जाए। केवल पूर्व निर्मित मोल्ड जो पोर्शन निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई हो इस्तेमाल किए जाएं। रेलों के सिरे पर लगाने से पूर्व प्रत्येक मोल्ड को नमी, क्रैक्स, सुराख बंद इत्यादि के लिए जांच लें और दोषपूर्ण मोल्ड को हटा दें। पूर्व निर्मित मोल्ड सावधानी से पकड़ें, क्योंकि वे नाजुक और टूटने को संभावित होते हैं। मोल्ड फिक्सिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि गैप की मध्य रेखा मोल्ड की मध्य रेखा से मिलती हुई हो, जिससे जॉइंट तिरछा ना हो। मोल्ड शू पूर्व निर्मित मोल्ड से चिपटी हुई स्थिति में होना चाहिए। मोल्ड शू फिक्सिंग के बाद पर्याप्त दबाव के साथ कसा जाए। अत्यधिक दबाव मोल्ड के टूटने और मोल्ड के अंदर रेत गिरने का कारण बन सकता है। पर्याप्त दबाव देते समय सावधानी रखी जाए। मोल्ड के लिए यह आवश्यक है कि रेल के नीचे मोल्ड आर पार सपाट फिट हो।
जिसे उंगली से मोल्ड के दोनों आधे हिस्सों के आर पार महसूस कर चेक करें और नीचे झुककर राइजर अपर्चर चेक करें। कॉलर के उचित आकार को चेक करने के लिए मोल्ड रेल फुट के बॉटम को टच करना चाहिए। थ्री पीस मोल्ड के मामले में बॉटम प्लेट के उचित फिक्सिंग सुनिश्चित करें ताकि वेल्ड के बॉटम फ्लेंज के किनारे में फिन का निर्माण न हो। मोल्ड लगाने के बाद मोल्ड और रेल के बीच तरल वेल्ड धातु के रिसाव को रोकने के लिए गैप को लूटिंग सैंड से मजबूती से पैक किया जाए। रिएक्शन के दौरान धातु बौछार से रेल शीर्ष टेबल की रक्षा करने के लिए मोल्ड के दोनों तरफ रेल सतह को धातु कवर के साथ ढक दिया जाए अथवा दोनों तरफ 15 सेंटीमीटर लूटिंग सैंड से लेप कर दिया जाए। क्रूसिबल के अस्तर में लगे आगरोक सामग्री को नुकसान न हो इसका ध्यान रखें। क्रूसिबल अस्तर की जांच करें। क्रूसिबल में पोर्शन डाल दें। वेल्डिंग तकनीक के लिए आवश्यक पोर्शन को अच्छी तरह से हाथ से मिश्रित किया जाए। मोल्ड को लगाने व लूटिंग करने के बाद रेल सिरे विशेष रूप से डिजाइन हवा पेट्रोल या संपीड़ित हवा पेट्रोल अथवा ऑक्सीजन एलपीजी बर्नर इनमें से जो भी संयंत्र उपलब्ध हो के द्वारा समान रूप से प्रीहीटिंग किए जाएं। फ्लेम को वांछित रेल तापमान प्राप्त करने के लिए समायोजित किया जाए। लगभग 600 प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त करने के लिए मोल्ड बॉक्स के ऊपर से ही प्रीहीटिंग की जाए। वेल्डिंग प्रक्रिया में एयर पेट्रोल बर्नर उपयोग के दौरान कंप्रेसर टैंक में दबाव 7 प्लस माइनस 0.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाए रखा जाए। एटी वेल्डिंग के दौरान संपीड़ित हवा पेट्रोल प्रीहीटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते समय प्रीहीटिंग उपकरण के संचालन के दौरान हवा का दबाव 0.2 से 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की सीमा में रखा जाए। ऑक्सीजन एलपीजी प्रक्रिया से प्रीहीटिंग के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर 7.0 से 8.0 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर व एलपीजी सिलेंडर में प्रेशर 2.0 से 2.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की सीमा में समायोजित किया जाए। जब ऑक्सीजन एलपीजी बर्नर के साथ प्रीहीटिंग की जाए तो एलपीजी आपूर्ति पहले खोली जाए और गैस प्रज्वलित की जाए। उसके बाद ऑक्सीजन आपूर्ति खोली जाए। बंद करते समय ऑक्सीजन आपूर्ति पहले बंद की जाए, उसके बाद एलपीजी आपूर्ति बंद की जाए। प्रीहीटिंग के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेलों के सिरे
वेब और फुट समान रूप से गर्म हो रहे हैं, बर्नर ठीक से समायोजित किया जाए। प्रीहीटिंग समय, एयर पेट्रोल प्रीहीटिंग तकनीक उपयोग में प्रीहीटिंग समय 10 से 12 मिनट, संपीड़ित हवा पेट्रोल प्रीहीटिंग तकनीक उपयोग में प्रीहीटिंग समय 4 से 5 मिनट और ऑक्सीजन एलपीजी प्रीहीटिंग तकनीक में प्रीहीटिंग समय 2 से 2.5 मिनट होना चाहिए। वास्तविक प्रीहीटिंग समय अपनाए जाने वाली वेल्डिंग तकनीक व रेलखंड पर निर्भर करेगी। निर्धारित समय में आवश्यक रेल तापमान प्राप्त करने के लिए टैंक प्रेशर, बर्नर की दक्षता और फ्लेम की स्थिति पर विशेष जोर दिया जाए। क्रूसिबल के टेप होल व पोरिंग छिद्र के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी 50 मिलीमीटर रखते हुए क्रूसिबल को मोल्ड के पोरिंग छिद्र के ऊपर एक सिधाई में उचित स्थिति पर लाया जाए। प्रीहीटिंग के बाद फुलझड़ी को जलाएं और रिएक्शन शुरू करने के लिए पोर्शन के केंद्र शीर्ष भाग में डाल दें। रिएक्शन जोरदार या उबलते हुए नहीं होना चाहिए। जब तक रिएक्शन पूरा होता है, शीघ्रता से बर्नर हटा दिया जाए और सेंटर पोरिंग के मामले में हीट व धातु के प्रभाव को उग्रता के नुकसान को रोकने के लिए मोल्ड गैप को सूखे सैंड कोर के साथ बंद कर दें। रिएक्शन समाप्त होने के बाद लगभग 3 सेकंड मेटल से स्लैग अलग होने के लिए दिए जाएं। यह सुनिश्चित करें कि रिएक्शन के प्रारंभ के बाद निर्धारित समयावधि में थर्मिट स्टील को मोल्ड में डाल दिया गया है। पिघली धातु की स्वचालित टेपिंग के मामले में इन पहलुओं की अपने आप देखभाल हो जाती है। पिघली धातु को मोल्ड में गिरने के बाद निर्धारित मोल्ड इंतजार समय तक ठंडा व जमने दिया जाए। मोल्ड इंतजार समय रेलखंड व प्रवेश के तापमान पर निर्भर करता है। एलॉय स्टील रेल के मामले में इस अवधि के दौरान बर्नर के उपयोग से रेल जोड़ के दोनों तरफ 300 मिलीमीटर तक गर्म किया जाएगा। मोल्ड इंतजार समय के पूर्ण होने से ठीक पहले मोल्ड शू हटा लिए जाएंगे। सामान्यतः मोल्ड इंतजार समय 25 मिलीमीटर गैप वेल्डिंग के लिए 4 से 6 मिनट और 75 मिलीमीटर गैप वेल्डिंग के लिए 12 मिनट है।
मोल्ड इंतजार समय समाप्त होने के बाद मोल्ड को धक्का दिए बिना वेल ट्रिमर का उपयोग करके ट्रिमिंग की जाए। वेल ट्रिमर के अचानक विफलता की स्थिति में मैनुअल चिपिंग का सहारा लिया जा सकता है। पुरानी रेलों की वेल्डिंग करने के मामलों में रेल हेड की धातु फैली होने की वजह से यदि वेल ट्रिमर उपयोग किया जाना संभव न हो तो मैनुअल चिपिंग की जा सकती है। ट्रिमिंग क्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि अलाइनमेंट के लिए लगी पच्चर बिना ढीले हुए अपने उचित स्थानों में हैं और उन्हें स्ट्रिपिंग के बाद कम से कम 20 मिनट तक न हटाएं। रेल अलाइनमेंट के लिए लगी पच्चरों को एवं जोड़ के दोनों तरफ 250 मिलीमीटर स्पष्ट अंतर प्राप्त करने के लिए हटाए गए स्लीपर पुनः मूल स्थान पर फिर से स्थानांतरित कर वह पुनः पैकिंग करने का कार्य यातायात शुरू करने के पहले करें। रनर व राइजर जब तक नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक वह ठंडा ना हो जाए और उन्हें रेल की तरफ ठोंक कर हटाएं। वेल्ड धातु के मोल्ड में गिराने के 30 मिनट बाद ही पहली गाड़ी को नए वेल्ड जोड़ से गुजारने के लिए अनुमति दी जाती है। जब तक वेल्ड की ग्राइंडिंग पूर्ण ना हो जाए तब तक आवश्यक गति प्रतिबंध जारी रखें। रेल पथ पर वेल्डिंग करने की स्थिति में पच्चरों को हटाने व स्लीपर पर बंधक को पुनः लगाने के बाद ही ग्राइंडिंग शुरू करें। ग्राइंडिंग करते समय केवल हल्का दबाव दें और एक स्थान पर जरूरत से ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को इधर उधर स्थानांतरित करें। रेल सिरे के दोनों बाजू ग्राइंड करके रेल पटल को मूल प्रोफाइल में लाएं और 1 मीटर की स्ट्रेट एज से चेक करें। ग्राइंडिंग की सटीकता 10 सेंटीमीटर की स्ट्रेट एज का उपयोग कर जांच लें। चेक कर यह सुनिश्चित करें कि जॉइंट प्रोफाइल परमिसेस लिमिट में है। वर्टिकल अलाइनमेंट 1 मीटर की स्ट्रेट एज के सिरे पर नापने पर प्लस 1.0 मिलीमीटर व माइनस 0.0 मिलीमीटर से अधिक न हो। लेटरल अलाइनमेंट 1 मीटर की स्ट्रेट एज के मध्य में नापने पर प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर से अधिक न हो। टॉप सरफेस पर फिनिशिंग 10 सेंटीमीटर के स्ट्रेट एज के सिरे पर नापने पर प्लस 0.4 मिलीमीटर माइनस 0.0 मिलीमीटर से अधिक न हो। रेल शीर्ष के गेज फेस पर फिनिशिंग 10 सेंटीमीटर की स्ट्रेट एज के मध्य में नापने पर प्लस माइनस 0.3 मिलीमीटर से अधिक न हो।